नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम संजय है, मैं शराबी हूँ। केवल ईश्वर की असीम कृपा है, अलग ईश्वर में उसका साथ है, आप लोगों का मदद का हाथ है, जिसके कारण आज शराब नहीं लिया हूँ और एक उपयुक्त जीवन जीने की प्रक्रिया चल रहा हूँ। दोस्तों, मैं थोड़ा सा माफी मांगूंगा पहले कि मेरे खुद के ग्रुप की मीटिंग चालू थी 6 से 7, इसलिए थोड़ा लेट ज्वाइन हुआ। दूसरी बात, मैं एक मराठी आदमी हूँ तो हिंदी का ज्यादा जानकारी नहीं, लेकिन कुछ कुछ मराठी वर्ड मेरे बोलने में अगर आ जाए और किसी को ना समझे बाद में किसी भी भाई से पूछ सकते, या हमारे अनिरुद्ध भाई भी है जिनको मराठी और हिंदी दोनों का नॉलेज है। तो दोस्तों, उम्र के 16 साल में मैंने शराब लिया और उम्र के 45 साल तक शराब पिया हूं। मुझे आज जो टॉपिक दिया गया है उसके पहले मैं आभार व्यक्त करूंगा वेलकम ग्रुप चंडीगढ़ का, ये दूसरी बार मुझे मौका मिला है। और दोस्तों, मेरा टॉपिक है घर खो चुका शराबी। ये दोस्तों मेरे स्वभाव दोषों के कारण हुआ है ऐसा मैं समझता हूँ। उसके लिए मैं थोड़ा सा मेरा बैकग्राउंड बताऊंगा। जब मैं 5वीं या 4वीं में था तो मुझे आज भी याद है, मेरे पिताजी ने ये बात करीबन मैं 86वीं में 10वीं में था तो कम से कम 82-81 की बात होगी, 4वीं में था, मेरे पिताजी ने उस समय मुझे 1 रुपया का नोट दिया था। और मैंने बहुत, मैं जिद्दी आदमी था, बहुत अडल्ट आदमी था। कारण क्या था, एक तो मैं पिताजी को अकेला था, मेरी 4 सिस्टर, मेरे से सबसे छोटी, मैं बहुत ही अडल्ट आदमी था, बहुत अहंकारी था। मैंने उन्होंने मुझे 1 रुपए का नोट दिया और मैंने वो फाड़ के पूरा टुकड़े टुकड़े करके उसको एक माचिस की डिब्बी में बंद किया और शाम को जब पिताजी आए उनको मैंने दिखाया। मेरे पिताजी ने मुझे कुछ कहा नहीं क्योंकि मैं अकेला था, उनको तो उन्होंने कुछ कहा नहीं, लेकिन उस वजह से, उस टाइम से मुझे ये लगने लगा कि मुझे कोई विरोध नहीं करता है, मुझे सब कुछ चाहते हैं, या मुझे कोई कुछ टोकते नहीं है, इस प्रकार से मुझे लगता था। यही सिस्टम लेके मैं आगे बढ़ा, 5वीं में गया, 5वीं से 10वीं तक। और दोस्तों, मैं बहुत अप्रामाणिक था, ये मेरे में स्वभाव दोष पहले से थे, क्योंकि 5वीं से 10वीं या मैं ये तो बोलूंगा कि फाइनल तक मैंने बीए किया हो तो बीए के फाइनल तक मैं कॉपी करके पास हुआ, लेकिन 5वीं से 9वीं तक तो स्कूल में कुछ होता नहीं, स्कूल अपने आप पास करा देती है। 10वीं में पहली बार मुझे झटका लगा, मैं फेल हुआ, 1 साल फेल रहा, 2 सब्जेक्ट बाद में निकले। 11वीं में एडमिशन आई, जब मैं 11वीं में एडमिशन आई दोस्तों तो मैं चंद्रपुर से वोरा में आया, वोरा में एक नामांकित कॉलेज है, वहां पे 3 मार्कशीट में एडमिशन नहीं मिलती थी, लेकिन मेरे पिताजी की पहचान जो कॉलेज है, बाबा अमित जी का कॉलेज है, तो उनसे थी, उनके कारण मुझे 11वीं में एडमिशन मिली। जबकि उस कॉलेज में लेता 1 मार्कशीट वाले को भी नहीं लेते थे, 40 या 45 टक्का भी रहा, परसेंटेज भी नहीं लेते, लेकिन मुझे लिया गया। और तब मुझे लगा कि मैं कुछ आदमी हूँ, अलग टाइप का आदमी हूँ, इसलिए मुझे एडमिशन मिली। मेरा अहंकार धीरे धीरे बढ़ने लगा। जब एडमिशन लिया दोस्तों 11वीं में, मेरे पिताजी शायद 65 के सेकंड क्लास मैट्रिक थे, ब्रॉड माइंडेड थे, उन्होंने मुझे कहा था कि आप कॉलेज में जा रहे हो तो भी 2 चीजें उन्होंने बताई थी मुझे 11वीं में, कि एक तो पहले बताई थी कि शराब अच्छी क्वालिटी की पीना, और दूसरी बात बताई थी कि लड़कियों के लफड़े में नहीं पड़ना। तो दोस्तों, मेरे ये दोनों बातों में मैंने अमल नहीं किया, उसमें से पहली बात भी किया जो थी कि मैं लड़के के लफड़े में कभी नहीं गिरा पूरा फाइनल ईयर तक, लेकिन शराब मैंने 12वीं में लिया। मेरे दोस्त मुझे लेके गए बियर पीने के लिए और मैंने बियर किया, और दोस्तों ये 12वीं में थोड़ी थोड़ी बियर चालू होगी। जैसे से आगे बढ़ा तो मेरे गांव से ताड़ोबा जो टाइगर प्रोजेक्ट है वो सिर्फ 40 किलोमीटर पे, तो हर साल जनवरी में वहां पे एक मेला लगता है, उस मेले में शराब और मटन या जो नॉनवेज रहता है वही रहता है वहां का खाना, हर जनवरी में जाते थे। जैसे से हर जनवरी में जाते गए, पहले जनवरी में मोहक की दारू, फिर आगे देशी, और लास्ट सबसे 5वें साल में इंग्लिश का पूरा तूफान आ चुका था। 5वें साल में मैं ब्लैकआउट स्टेज हो गया था। इस प्रकार दारू मेरी बढ़ चुकी थी, और मुझे याद है कि 3रे साल में कुछ शराब की बॉटल्स उस बची हुई जो मैं सोचा था कि बाद में पियेंगे तो वापस आई थी, और उस समय मेरे घर में वापस आई थी।
मुझे याद नहीं रहा कि वो घर में आ गई। उस दिन मुझे मेरे घर वालों को पता चल चुका था कि मैं शराब पीता हूँ, लेकिन मेरे पिताजी ने मुझे कभी कहा नहीं दोस्तों, आज तक भी मुझे कहा नहीं। लास्ट लास्ट में कहा, वो भी मैं बताऊंगी कैसे क्या क्या था, और मेरी घर मैं घर कैसे खो रहा था ये मैं बताऊंगा। तो मेरे पिताजी ने कुछ कहा नहीं, लेकिन मेरी बहने सब छोटी थी, मैं शायद 21 साल तक हो गया था, लेकिन बहने मेरे से सब छोटी थी, उनको कुछ शराब के मामले में पता नहीं था। क्योंकि एक बात मेरी आज भी कायम है, उस समय से भी कायम थी, करीबन 5-6 से भी कायम थी कि घर में 7 बजे के अंदर आना है। ये पिताजी ने मुझे बोल के घर में 7 बजे के, अब आज 50 साल का हूँ लेकिन पिताजी है मेरे साथ, तो आज भी मैं घर 7 बजे के अंदर ही आता हूँ। उस समय भी आता था, चाहे कुछ भी कर लो आप, शराब पियो या कुछ भी हो, ये परमिशन मिलने से कारण मेरे पे अहंकार बढ़ चुका था। तो दोस्तों अब जैसे आगे बड़ी जिंदगी, दुकान डाला मैंने कंप्यूटर जॉबर का, और मेरे पे कोई बोझ नहीं था, कोई फाइनेंशियल बोझ ये नहीं थे। मेरे पिताजी सर्विस में थे, बहुत अच्छे ड्राइवर रह चुके थे, और मैं 97 तक दुकान चालू थी मेरी, दुकान में भी बहुत शराब। उसके बाद मेरे पिताजी की बदली गोंदिया में हुई, और गोंदिया में भी मैं जब रहने लगा तो वहां पे भी शराब बढ़ गई थी, लेकिन फिर भी मेरे घर वाले को ज्यादा परेशान नहीं हो रही थी। आवाज किसकी आ रही? आवाज किसकी आ रही? ओके, तो मैं मेरी हाँ, तो मैं गुंडिया भी बदली हुई थी दोस्तों, और वहां पे भी शराब काफी बढ़ चुकी थी। पर उसके पहले लेकिन दोस्तों 97 में मेरे घर में जब हम ओरा में रहते थे, तो मेरे घर में मेरी बड़ी सिस्टर की शादी हुई, और उस बड़ी सिस्टर की शादी में आज तक हमारे घर में 4 बहनें और मेरी शादी हो चुकी है। 5 जनों की शादी में दारू और जुआ ये मैं ही करता था। तो वो छोटी सिस्टर की शादी में शाम को ऊपर बारात जाने के बाद मैंने पिताजी को बोला कि हमारे दोस्त आए हैं, उनको ठंडा पिलाना है। तो मेरे पिताजी बड़े ब्रॉड माइंडेड थे, पढ़े लिखे थे, तो उन्होंने कहा कि कम ठंडा या ज्यादा ठंडा। दोस्तों कम ठंडा बोले तो कोल्ड ड्रिंक्स होती है, और ज्यादा ठंडा बोले तो बियर या शराब। इतने बड़े थे, और मैं उनको बड़ी मतलब क्या बोलते उसको निर्लज्जता से मैंने बताया कि ये ज्यादा ठंडा पीना है। इस टाइप से मेरी शराब थी दोस्तों। और जैसे मैं आगे बढ़ा, जब मेरी सिस्टर मेरी शादी हुई 99 में, अब उस समय मैंने इस कदर मुझे लग रहा था कि अब मेरी शराब बढ़ चुकी है, तो मैंने शराब छोड़ने के लिए ट्राई मारने शुरू किए। सबसे पहले तो मैंने मेरी शादी में जब वो सत्यनारायण की पूजा होती है, उस समय मैंने मिसेस को बताया कि मैं शराब पीता हूँ और मैं आज से छोड़ना चाहता हूँ। तो पूजा के सामने मैंने शराब छोड़ने का प्रण किया, लेकिन दोस्तों ये ज्यादा दिन चला नहीं। और जैसे जैसे मैं आगे बढ़ा, मेरी दूसरी सिस्टर की शादी हुई, दूसरे सिस्टर की जब शादी हुई दोस्तों, तो उस समय तक मेरी शराब बहुत बढ़ गई थी। अब मेरे घर वालों को परेशानी होना चालू हो गई थी। धीरे धीरे मैं घर से मेरा घर निकलते दिख रहा था, ये मुझे आज पता चला कि कैसे मेरा घर उस समय निकलते जा रहा था। मेरी सिस्टर जब बारात निकली, तो मेरी सेकंड नंबर की सिस्टर ने कहा कि हंजू देख, अभी अपने पिताजी थक चुके हैं। मेरे पिताजी नौकरी पे थे उसमें, लेकिन मेंटली थोड़ा सा वीक हो गए थे, वो मेरे शराब के कारण ही हुए थे। तो उसने कहा कि भाई संजू देख, पिताजी मेंटली थक चुके हैं, अब तुझे ही संभालना है। और उस समय उसने मेरा हाथ बहुत कस के पकड़ा था, उसको मालूम हो गया था कि संजू अब दारू शराब बहुत ज्यादा उसकी बढ़ चुकी है। उसने मुझे कहा कि भाई देख, तेरे को अब घर संभालना है, लेकिन दोस्तों शराब के चलते मुझे कुछ समझ भी नहीं आया वो क्या बोलना चाहती है क्या नहीं। तो मैंने हाँ हाँ बोल दिया सिर्फ, लेकिन दोस्तों इस कदर मेरी शराब बढ़ चुकी थी कि अब मुझे समझ भी नहीं आ रहा था। एक बार मैंने गुंडे में भी शराब छोड़ने का एक और नाटक किया था। मेरी मिसेस मैं एक बार बहुत पी के आया था, और मेरे मिसेस ने कहा था कि आप शराब बहुत पी के आए हो, तो मैंने ये बोला कि हाँ ये लास्ट टाइम है, अब मैं नहीं पीऊंगा।
तो मैंने एक कपूर जो जला करते अपन, उसको मैंने अपने हाथ में लिया और उसको जलाने की कोशिश किया और बताने की कोशिश की, हाँ मैं अभी आज से शराब छोड़ रहा हूँ। लेकिन मुझे पता था दोस्तों कि मेरा हाथ जलने के पहले मेरी मिसेस मेरा हाथ झटक देगी, और सचमुच उसने झटक दिया। उस समय में बच निकला, लेकिन फिर और शराब चालू हो गई। और इस बीच दोस्तों मेरा एक हादसा इस टाइप से हुआ कि मेरी मेरी सिस्टर मेरे से किस तरह दूर हो गया, यानी मेरा घर कैसे मेरे हाथ से निकल रहा था, मैं घर कैसे खो रहा था वो बता रहा हूँ। मेरी थर्ड नंबर की सिस्टर जो 12वीं पास हुई, किस मैंने उसको एडमिशन लेने लगाया डेड में। इसलिए डेड में कि वो डेड बनने का उस समय ऐसी पोजीशन थी कि टीचर बनती थी और तभी से 30-35 हज़ार रुपये चालू होती थी पगार। तो मेरी सेकंड नंबर की सिस्टर ने तो कर लिया, लेकिन थर्ड नंबर की सिस्टर की इच्छा नहीं थी डेड टीचर बनने की। यहाँ पे मुझे अलकुरी सैनिक्स में आने के बाद माई वील और गॉड वील का पता चलता है। मेरी इच्छा थी उसको टीचर बनाने की ताकि वो जल्दी नौकरी पे लगे और जल्दी पैसा मिले। मेरे पिताजी की नौकरी थी, लेकिन मुझे कोई लोड ना हो उसके पैसे से मैं ऐश कर पाऊ, इस टाइप की मेरी सोच थी। लेकिन गॉड विल ये थी दोस्तों कि जब उसने वहां से वापस आए, उसने पिताजी को बताया कि भाई मुझे नहीं बनना है टीचर, मैं डॉक्टर ही बनना चाहती थी। आज वो MBBS MD है, पुणे में रहती है। उसने कहा कि मुझे डॉक्टर ही बनना है। दोस्तों गॉड विल कैसी होती है, और मैं अपनी विल के कारण मैं अपना घर कैसे खोता हूँ ये मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। वो नागपुर में गई, नागपुर में उस समय वैलिडिटी सर्टिफिकेट मिलता था, जबकि उसको काफी लेट हो चुका था। वहां पे जाने के बाद मतलब 3-4 महीने पहले करना पड़ता है, लेकिन बहुत लेट हो गई थी। तो कई वहाँ के जो ऑफिसर थे उन्होंने कहा कि भाई बेटी तू बहुत लेट हो चुकी है, तेरे को वैलिडिटी नहीं मिलती। लेकिन मेरी सिस्टर ने कहा उनसे कि भाई आप थोड़े से मेरे मार्कशीट देख लीजिए। उस ऑफिसर ने मेरे सिस्टर की मार्कशीट देखी, उसमें 88% थे। और क्या हुआ मालूम नहीं कि मैं गॉड विल समझता हूँ, उस ऑफिसर ने 1 घंटे में उसको वैलिडिटी सर्टिफिकेट दिया। दूसरे दिन वो बॉम्बे गई, वहां पे एडमिशन होके नागपुर में उसको मेडिकल कॉलेज में दाखिला मिला और ये डॉक्टर ही। ये गॉड विल थी दोस्तों, मुझे आज लगता है कि गॉड विल थी। लेकिन उसको मैं जो टीचर बनाने चला था, तो उसके मन में उस समय से मेरे प्रति जो भी कुछ हुआ होगा वो हो चुका था, मैं उससे दूर होने लग गया था। और उसी टाइम से उसके मन में शायद मेरे कारण किया कुछ भी हो, जो भी हो उसको मालूम, कुछ खटास पैदा हो गई थी। अब वो खटास ज्यादा बोलती नहीं थी, वैसे वो बहुत कम बोलती है, लेकिन हो गई थी। और एक इंसिडेंट उसी केस में हुआ था, उसी की शादी में, उसकी शादी हो गई। उस समय हल्दी की बात थी और मैं शराब नहीं पिया था, फिर भी मेरे में शराबीपन किस कदर हावी रहता है मैं बताता हूँ। और मैं कैसे मेरा घर कैसे लॉस होता है, मैं घर से कैसे दूर जाता हूँ, या मेरा घर कैसे खोता है मैं बताने की कोशिश करो। उसकी हल्दी थी और मेरे मिसेस का कुछ ट्रीटमेंट चल रहा था, तो वो जाना चाहती थी अपने मायके। और मेरी बड़ी सिस्टर बोल रही थी कि भाई उसको क्यों, भाभी को क्यों मायके भेज रहा है, नागपुर में रहते थे तो क्यों मायके भेज रहा है। लेकिन मैं उसको बोल नहीं पाता था कि भाई इसको मेडिकल ट्रीटमेंट में क्या क्या करना पड़ता है, कौन सी गोली कब लेना पड़ता है। वो चली गई। बाद में मेरी बड़ी सिस्टर मेरे पे बहुत गुस्सा आई और मैं बहुत जम के उस पे दोनों पे बरस पड़ा कि भी तुमको क्या समझता है, तुम ये करते वो करते तुमको नहीं मालूम, इस प्रकार से बहुत बरसा। उस समय मैं इतना बरसा कि मेरे भी हार्ट बीट बढ़ चुकी थी, मुझे भी छाती में दर्द हुआ। और तब उस समय तीसरे नंबर की सिस्टर जिसकी शादी थी, उसको लगा कि ये मेरा भाई मेरी शादी में हमेशा किधर गड़बड़ कर रहा है, बहुत आवाज कर रहा है। उस समय से उसकी खटास चालू हो गई थी। उसके बाद दोस्तों उसका 14 साल तक मुझे फोन नहीं आया। ये बात शायद 2002 की है मेरे ख्याल से। अब मुझे शादी की भी याद नहीं, इतना मैं बेवड़ा हूँ कि मुझे उनकी भी शादी की डेट से साल याद नहीं है। और उस समय से 14 साल तक मुझे उस स्तर का फोन नहीं आया। इस प्रकार पहली बार मैं घर से दूर हुआ था, मेरे सिस्टर लोगों से मैं बहुत दूर, मेरा घर खोने लग गया था धीरे धीरे। दोस्तों ये मुझे पता भी नहीं चल रहा था, शराब चल रही थी साथ में। दूसरा अटेम्प्ट ये हुआ दोस्तों कि मेरे सेकंड नंबर के बहन की देवर की शादी थी, और उस देवर की शादी भंडारा में थी।
और मैं गया और हमेशा की तरह सवेरे 9 बजे पी लिया और 11 बजे जब खाना खाने के लिए पहुंचा तो वहाँ पे खाना कुछ अस्त व्यस्त हो गई थी, कुछ ज्यादा मेहमान आए होंगे या जो भी है, उसके कारण खाना खत्म हो गया और मैं पहली बार उस स्तर पे बरसा। भाई जब आपको नई सुविधा होती है, नहीं लोगों को आप भोजन खिला सकते तो क्यों बुलाते हो? बहुत जम के, यानी सब लोग मेरी तरफ देख रहे हैं, बहुत जम के मैंने उसका अपमान किया। मेरे जवाई थोड़ा बाजू में थे, वो भी टीचर है लेकिन वो शांत थे, उन्होंने कुछ नहीं कहा, लेकिन मैं अपने से बहुत भड़का। तो दोस्तों ये इंसिडेंस होने के बाद मैं मेरे सिस्टर से फिर से दूर हुआ, लेकिन मैं एक बात बताना चाहता हूँ दोस्तों, उसी के तहत मेरे सेकंड कृतज्ञता दिन ग्रेचुटी दिन के दिन मेरी सिस्टर आई थी, मुझे मैंने टोकन उनसे हाथ में लिया था और मैंने वो किस्सा शेयर किया था कि ऐसा ऐसा मैंने किया, मैंने उनसे माफी भी मांगी और उसके बाद मेरी सिस्टर की शेयरिंग है, उन्होंने कहा कि हाँ यही बात हुई थी, लेकिन उसने एक कहा था दोस्तों कि मैं बैठे भैया की दारू छोड़ने के लिए या ये पहले सुना दोस्तों पहली बार, और तब मुझे एहसास हुआ कि मैंने मेरी सिस्टर लोगों को कितना प्रताड़ित किया, कितना दर्द दिया और मैं कितना घर खो चुका था, फिर भी मेरी सिस्टर मेरे लिए प्रार्थना करती थी अपने घर में। ये सब हुआ दोस्तों इस तरह से, मेरा घर धीरे 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 मेरे से छूट रहा था, खो रहा था। मेरे पिताजी के साथ मेरी ऐसी ही, मैं ज्यादा उनसे बात नहीं करता था, लेकिन एक बार का अनुभव है दोस्तों कि मैं एक बार शराब पी के आया था और मेरे पिताजी को मेरे एक ऑफिस के उनके कोई क्लर्क से उन्होंने कहा कि भाई आपका लड़का मुझे बार में शराब पीते हुए दिखा, तो उन्होंने कहा मेरे पिताजी ने कहा कि देखिए भाई साहब वो मेरे पैसे से पीता है, आपको क्या परेशानी है, लेकिन ये बात उन्होंने मुझे अभी सोबरिटी में बताई। तब अभी मुझे वो एहसास हुआ कि उस समय उनकी क्या मानसिक अवस्था हो रही होगी, क्योंकि मेरे पिताजी ड्राइवर थे, 21 साल की उम्र में ड्राइवर बने थे और 58 साल में रिटायर हुए 2002 में, तो एक स्टेटस के साथ रिटायर हुए, क्योंकि उन्होंने कभी 37 साल में कोई एक्सीडेंट नहीं किया, किसी साहब उनको कोई मेमो नहीं मिला, किसी साहब की गालियां नहीं सुनी। इवन मैं उनके उनका जो रिटायरमेंट का फंक्शन था उस समय एक ऑफिसर ने, जो ऑफिसर उन्होंने ड्यूटी इंजीनियर थे, उन्होंने अपने भाषण में कहा था कि भाई अगर आपको शरीर और आत्मा इसका अगर उदाहरण देखना है तो ये 100 ड्राइवर है, मैं नाम नहीं बताऊंगा अपना, तो ये 100 ड्राइवर है, ये कभी भी अपनी गाड़ी से जुदा नहीं हुई, क्योंकि मेरे पिताजी बहुत पंक्चुअल थे, 9:45 बजे का जाते थे तो बहुत पंक्चुअल थे, और लेकिन गाड़ी में बैठे रहते जब तक कोई सामने इधर उधर चाय पीने या कहीं गप्पे मार रहे ऐसा नहीं होता था, वो बहुत पंक्चुअल थे। तो उन्होंने कहा था कि शरीर और आत्मा अगर किसे कहते तो ये 100 ड्राइवर है, इस टाइप के स्टेटस से जीने वाले मेरे पिताजी। दूसरी बात और एक बताऊंगा कि उन्होंने एक और कहा था कि ये जो ड्राइवर आते हैं तब हमारे कॉलोनी के लोग अपनी घड़ियां मिलाते हैं, इसका मतलब ये होता है कि गाड़ी आ रही है तो इसका मतलब 9:45 बज गए राइट टाइम। तो ये पंक्चुअलिटी जिस आदमी में थी, जिस स्टेटस से वो जीते थे, लेकिन मेरे कारण उनका मानसिक संतुलन बिगड़ रहा था, वो मेरे से दूर नहीं हो रहे थे, लेकिन एक प्रकार से दूरी होनी जो ऐसी वाली बात है जी, क्योंकि उन्होंने मुझे दारू छोड़ने के लिए कुछ भी कहना टोकना बंद कर दिया था और मेरे से बहुत ही दूर रहने लगे थे। मतलब एक ही घर में हम रहते थे, आज भी एक ही घर में रहते हैं, लेकिन जो लगाव होना चाहिए, जो फैमिली में एक लगाव होता है बच्चे का और पिता का, वो लगाव नहीं रहा था। मैं अपनी मस्ती में जी रहा था, ये सब चीजें दोस्तों, मेरा घर धीरे 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 मेरे से छुटता हुआ जा रहा था। ये मेरे साथ शराब के कारण हो रहा है ऐसा मुझे लगता था, लेकिन ये सब मेरे स्वभाव दोषों के कारण होने लगा था। ये मुझे अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आने के बाद पता चला दोस्तों, धीरे धीरे मैं शराब मेरी बढ़ रही थी, लेकिन मुझे लग रहा था कि मैं सब कुछ अच्छा करता हूँ, क्वांटिटी में रहता हूँ, क्वालिटी में चलता हूँ, क्वालिटी पीता हूँ, ऐसा मुझे लग रहा था, लेकिन मेरे साथ ऐसे धीरे 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 ऐसा होता जा रहा था। और दोस्तों मैं अपनी मिसेस के मायके से भी एक टूटते नजर आ रहा था, मेरे मिसेस का मायका मतलब मेरा घर ही होता है एक प्रकार से, तो वहां पे भी मैं दारू पीने लग गया था, वहां पे भी वैसे ही हो रहा था, मेरा साला खुद मेरे लिए दारू लाता था,
एक बार मुझे किस्सा याद है कि मेरी साले की शादी में मैंने इतनी शराब पी चुकी थी कि मुझे पता नहीं चला था ब्लैकआउट स्टेजेस से भी। और उनके एक रिलेशन वाले को, एक रिलेटिव को मैंने बहुत सारी गंदी गालियां दे दी थी। मुझे याद भी नहीं है कि किस प्रकार से मैंने गंदी गालियां दी। तो लेकिन ये बात 3-4 साल 3-4 महीने के बाद मेरी मिसेस ने बताया कि भाई आपने जब दारू किया था ऐसी ऐसी गालियां दी, और बहुत हर्ट हो चुके थे। और मैं बोल रहा था कि नहीं, ऐसी कोई गालियां दी ही नहीं मैंने, तो मेरी ऐसी कोई गालियां दी नहीं ऐसा मैं उनको बोल रहा था। लेकिन तो जब मुझे ऐसा लगा कि मेरी मिसेस बोल रही तो सही में ऐसा हुआ होगा, तो मेरे को उनके घर जाना पड़ा, उनसे माफी मांगनी पड़ी। लेकिन ये सब घटना के कारण मेरी ससुराल में भी बहुत मतलब दूर होते गया, मैं ससुराल के घर से भी दूर होते गया। मेरी सास मुझे हमेशा समझाने लग गई थी, मेरे ससुर जी ऐसा कुछ नहीं समझाते थे, लेकिन मेरी सास बहुत समझाने लग गई थी। धीरे धीरे मैं घर से, उनके भी घर से दूर हो रहा था। अब उनके घर फंक्शन में मुझे कहीं पे भी बुलाना रहता तो बुलाना थोड़ा सा बंद हो गया था, या बुलाने के बाद भी जो एक जवाई का मान होता वो भी बंद हो चुका था। मैं भी शराब के कारण ज्यादा सोचता नहीं था, लेकिन धीरे धीरे दोनों टाइप के घर मेरे खोने लग गए थे। और दोस्तों आज में मेरी मिसेस जो मेरे से जो मेरा साथ आई थी शादी में, आज मेरी शादी को 21 साल हो चुके हैं, लेकिन आज भी बहुत परेशान है। क्योंकि मैंने परेशान इतना किया है कि आज मेरे साथ रहती है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि वो एक जिंदा लाश की तरह रहती है। क्योंकि मुझे भले आज 5 साल हुए होंगे, लेकिन मैं उनको वो सुख या जो चैन की नींद बोलते वो नहीं दे पाया था। क्योंकि मेरे स्वभाव दोष इस प्रकार से है कि मैं उनके भाव नहीं समझता था। देखा जाए तो दोस्तों, मैं जब मेरी शादी हुई थी 99 में, तो मैं शादी इसलिए किया था कि मुझे वर्रा में आके पीना था, क्योंकि उसके पहले मेरा शराबी जीवन वर्रा में था। तो मुझे ऐसा लगता था कि वर्रा में बहुत अच्छी मैं पी लूंगा, मत मस्त खुश रहूंगा, मुझे मिसेस आएगी। तो मैंने उस टर्म्स पे शादी किया था कि मुझे वर्रा में जाने देंगे, जबकि मैं उस समय गोंदिया में रहता था। तो शादी जाने देंगे ऐसा मुझे लगा था, लेकिन मेरे पिताजी ने मुझे नहीं जाने दिया था, साथ में रखा था। तो वो एक चीज मेरे मन में थी। लेकिन जैसे मैं यहाँ पे भी आया, वर्रा में भी आया, बाद में वापस आए हम लोग, लेकिन मैंने कभी अपनी पत्नी की भाव को नहीं समझा। वो मुझे हमेशा बोलते थे कि आप तो बहुत अलग टाइप के हो, और सिर्फ आपने शायद सेक्स के लिए शादी किया है, इस टाइप से वो मुझे बोलती थी। और शायद ये सच भी था, मैंने सिर्फ दारू पीने के लिए वर्रा में आने के लिए शादी किया था, और मैं उसको कुछ भी समझने पा रहा था। और इस प्रकार से वो मेरे से कट रही थी। और इसका उदाहरण मुझे मिला दोस्तों मेरी दूसरे साल के ग्रेटिट्यूड डे में। जब ग्रेटिट्यूड हुआ, टोकन लिया गया, और मेरी मिसेस को वहां पे अपनी अनुभव शेयरिंग करने के लिए बुलाया गया। तो दोस्तों मेरी मिसेस टीचर है, 40 बच्चों को स्कूल में पढ़ाती है, सवेरे 8 बजे से 2 बजे तक कंटिन्यू बोलने वाली। उस समय वहां पे आने के बाद 2 शब्द भी बोल नहीं पाई, सिर्फ रोती रही, सिर्फ रोती रही। और पहली बार मुझे एहसास हुआ कि मैंने अपने मिसेस को कितना मानसिक रूप से प्रताड़ित किया। जबकि अल्कोहल साइलेंस में आने तक मैं यही सोचता था कि मैंने भाई मेरे सिस्टर को 16 साल, आज 21 साल हो गए, फिर भी 21 साल में भी मैंने कभी मारा नहीं हूँ, ना ही मैंने खाना फेंका है, ना ही मैंने उसको कुछ अश्लील बातें किया है, ना ही मैंने कभी उसको ये सुनाया है कि तू अच्छी नहीं तो मायके चले जा। मैंने किसी भी प्रकार से कुछ भी नहीं किया था, और मैं यही सोच रहा था कि मैंने ऐसा कुछ किया नहीं हूँ तो मैं बहुत ही बढ़िया हूँ। वो 500 रुपए की साड़ी मांगती थी, मैं उसको 5 रुपए 1000 रुपए की देने की मतलब ले भाई, इस टाइप से बोलता था। तो मुझे ये लग रहा था कि अगर मैं वस्तुओं से, या जो भी साड़ी है, गहने हैं या पैसे है, मैं उससे उनकी भावनाओं को खरीद लूंगा, मेरे मिसेस की भावनाओं को खरीद लूंगा, ऐसा मेरा मेरी सोच थी। उसी सोच के कारण वो वहां पे सिर्फ रोई और रोने लगी। दोस्तों धीरे धीरे ये सब चीजें मेरे को मेरे घर से दूर लेते जा रही थी, लेकिन मुझे पता नहीं चल रहा था कि इस टाइप हो रहा है। क्योंकि मैं हमेशा ये सोच में रहता था कि भाई मैं घर में झगड़ा नहीं करता हूँ, मेरे पे कोई कर्जा नहीं है, और मैं सब कुछ अच्छा चलाता था। ऐसा नहीं कि घर में पैसे नहीं देता था,
ऐसा कोई नई बात नहीं थी। या मैं साथ के घर में साथ के पहले घर में आता था, दारू पीने के बाद तो मैंने कभी झगड़ा नहीं किया, ना भी पहले किया, घर में तो भी नहीं किया, बाहर दोस्तों के साथ किया होंगे लेकिन घर में नहीं किया। तो इसके कारण मुझे ऐसा लग रहा था कि भाई मैं बहुत अच्छा हूँ, मेरी शराब बहुत अच्छी है, लेकिन मैं मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रहा था, ये मुझे पता नहीं चला रहा था। तो ये मेरे साथ वैसे मेरी विषय मेरे से दूर करती चली गई थी। थोड़ा सा मेरा टॉपिक भी थोड़ा चेंज हो गया, मैं पिताजी की बात कर रहा था दोस्तों, जब बीच में आ गया, एक मैं बेवड़ा हूँ तो थोड़ा सा इधर उधर हो जाता है। तो मेरी पिताजी की बात ये हो रही थी कि वो बहुत स्टेटस से रह चुके थे और ये सब चीजें हुई थी, लेकिन मेरे कारण उनके ऑफिस में उनको नीचे मतलब उनकी गर्दन झुक जाती थी। आज उनको जो बीपी शुगर है और जो मानसिक बीमारी है जिसकी वो गोलियां लेते हैं, तो मुझे ये लगता है कि ये सब मेरे कारण हुआ है। मैं ही मेरी शराब के कारण उनसे बहुत दूर हो गया हूँ, उनको जो प्रॉब्लम हो गई है ये सब मेरे कारण हुआ है, ऐसा मुझे लगता है। मुझे ये भी घर खोने का एक ऐसा एक अनुभव ये भी है मेरे साथ दोस्तों कि मेरी माँ जो थी जो 30 जनवरी को गुजर चुकी है, तो मुझे वो पहले जब वो दिवाली में आई थी, दिवाली में थी मेरे साथ, तो उसके पहले भी बहुत सारी बार बार जो वो पैसे मंगती थी कि भाई संजय 200 रुपए दे, लेकिन मैंने कभी उसको ये नहीं पूछा कि किस चीज के लिए होना क्या होना। मुझे थोड़ा सा पता था कि भाई उसका बीपी ज्यादा है तो वो गोलियां लेती है, लेकिन जब मेरी माँ की डेथ हुई और मुझे पता चला कि वो हार्ट अटैक से हुई है, तो जब मैं गया वहां पे मैयत में, तो मेरे सिस्टर ने कहा कि उसका कोलेस्ट्रॉल बढ़ चुका था। तो दोस्तों मैं एक ऐसा शराबी था कि मैंने सिर्फ उसको पैसे दिया, बाकी ये नहीं पूछा कभी माँ को कि भाई तेरे को अच्छे डॉक्टर लेते चलते हैं कि, जबकि वरा में अच्छे डॉक्टर से मेरी अच्छी पहचान है, हमारे क्लब के मेंबर है। तो मैंने उसको कभी ये नहीं कहा कि भाई चलो मैं लेके जाता हूँ। मतलब इस कदर मैं अपने भले मनुष्य में शराब से दूर था, लेकिन मेरे स्वभाव दोष इस टाइप के थे कि मैं किसी की भावनाओं को समझने वाला इंसान नहीं था। उसका कोलेस्ट्रॉल से मतलब बढ़ गया था, ये मुझे पता नहीं था। मैंने मतलब कभी पूछा ही नहीं माँ को भी तेरा कोलेस्ट्रॉल बड़ा है, बीपी शुगर है कि क्या है, अच्छे दवाखाने में चलते, ये कभी पूछा नहीं दोस्तों। तो ये मेरी माँ से मेरी मतलब जो डेथ हुई है, तो मुझे आज लगता है कि वो मेरे कारण हुई शायद, क्योंकि अगर मैं उसकी तरफ ख्याल करता था तो उसका कोलेस्ट्रॉल जो बड़ा था शायद उसको कंट्रोल में लाते थे, या कुछ भी मेडिकल जो भी चीजें ये सब संभावना थी। लेकिन जो मैंने करना चाहिए था उसके बाद कुछ होता है बात अलग है, लेकिन जो मैंने करना चाहिए था वो वही नहीं किया। लेकिन दोस्तों मेरे माँ ने पहले, और मुझे ऐसा लगा कि मैं माँ से बहुत दूर कट चुका हूँ, दूर रह चुका हूँ, मैं अपने घर को खो चुका हूँ, खो रहा हूँ, ऐसा मुझे लग रहा था। लेकिन दोस्तों उस जब डेथ हुई और जब मैं वहां पे गया, तो मेरी सिस्टर रोते रोते मुझे बता रही थी कि संजू, माँ बोल रही थी कि इस बार की दिवाली मेरे लाइफ में बहुत ही जब सबसे बड़ी दिवाली और सबसे अच्छी दिवाली गई, क्योंकि उसके पहले की दिवाली में मेरे जवाई लोग आए थे, मेरी सिस्टर आई थी, चारों सिस्टर चारों जवाई और सब भांजे, और हमने वो कराओके पे कुछ गाने गाए थे, सभी ने गाने गए, स्टार्ट तो मैंने किया था। तो उसने कहा था मेरी माँ ने मेरी सिस्टर की, इस बार मेरी दिवाली बहुत अच्छी है और मेरा संजू सुधर रहा है। लेकिन दोस्तों ये बहुत देर हो चुकी है, ऐसा देर हो चुकी थी ऐसा मुझे लग रहा था। तो ये सब मेरे कारण हुआ है ऐसा मुझे, लेकिन दोस्तों मेरे माँ ने कहा था कि मेरा संजू सुधर चुका है और पहली बार दिवाली अच्छी गई है। मुझे यकीन नहीं हुआ कि ये सब मज हुआ है या नहीं हुआ, लेकिन ये बात हो गई थी दोस्तों। और उसी दौरान जब से उस दिन मेरी जो माँ गुजरी, तो मैं बहुत डिप्रेशन में गया था, एक ब्लैंक स्टेज में गया था, और मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरी जिंदगी का कोई वैल्यू नहीं है, कुछ काम नहीं है, कोई उद्देश्य नहीं है, कोई हेतु नहीं है, क्योंकि भाई काम तो सभी कर रहे हैं, वही मतलब बातें, सवेरे उठना, फिर खाना खाना, काम पे जाना, फिर आना, फिर वही खाना, यानी कोई नई चीज नहीं हो रही थी। फिर मेरे जिंदगी का उद्देश्य क्या है, इस टाइप से मैं ब्लैंक हो गया था, 2 दिन ब्लैंक है। लेकिन दोस्तों प्रार्थना मेरी बहुत ही कंटिन्यू चल रही थी मेरे मन में, क्योंकि अल्कोहलिक्स एनोनिमस में मुझे बताया गया था कि जब भी कोई परेशानी हो तो पहले प्रार्थना करना। तो मैं प्रार्थना करने लगा कर रहा था, और जैसे दूसरे दिन वो
वो जो फूल होते हैं वो नदी में बहाते हैं, तो उस समय जब मैं बहाने गया था तो मुझे पता नहीं क्या हुआ, लेकिन मेरे ऊपर जैसे ठंडा पानी डाला गया तो अंदर से एक आवाज आई कि संजू, ये खाना पीना ये तो सभी करते हैं, जानवर भी करते हैं, लेकिन तेरे जीवन का उद्देश्य क्या है? तो मेरे अंदर से एक आवाज आई कि तेरे जीवन का अब एक ही उद्देश्य है कि एक पीढ़ी शराबी तक जाना, उसको मैसेज देना, उसको मीटिंग तक लाना। क्यों? क्योंकि दोस्तों जनरली मैं जो आया हूँ अल्कोहल साइंस में, दारू छोड़ने के लिए तो आया हूँ, लेकिन एक चिरंतन आनंद की मतलब चिरंतन आनंद मिलने के लिए मैं आया था। तो चिरंतन आनंद मुझे कैसे मिला वो मुझे उस समय पता चला कि अगर तू एक शराबी तक जाता है और वो अल्कोहल साइंस की मीटिंग में आता है, अगर वो 1 साल पूरा करता है, जब वो टोकन लेगा तो सबसे ज्यादा आनंद मुझे होता था, मुझे होगा, ये मुझे पता चला। और इसका अनुभव भी मैंने किया हूँ दोस्तों, जब भी कोई मैसेज देता हूँ, कोई बांधव आता है मीटिंग में, तो उठाता है और मुझे पता है कि जितने साल तक वो मेंबर टोकन लेगा उतने साल तक आनंद रहेगा, हर उसके बर्थडे पे उस मुझे आनंद ही आएगा, उसके अलावा कोई ना। तो ये उद्देश्य मुझे अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आने के बाद उस दिन मिला कि मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है। लेकिन दोस्तों मेरा घर खो चुका था, ये मुझे आज भी पता है, आज भी लेकिन कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हो जाते हैं कि जिसके कारण मुझे एक उम्मीद रहती कि अगर फिर भी अगर घर खो चुका है फिर भी, लेकिन अल्कोहलिक्स एनोनिमस में मैं रहूंगा और स्टेप्स का आचरण करूंगा, तो मुझे उम्मीद है कि ये सब मुझे मिल सकता है। और जाते जाते दोस्तों एक और एक अनुभव शेयर करूंगा कि मेरे बच्चे, तो अभी मेरा लड़का 15 साल का हो चुका है, ये परसों की बात है, मैं घर कैसे आज भी 5 साल की सोबरेटी में भी मैं मेरे हाथ से कैसे गड़बड़ हो सकती है, मेरे सभा दोष भले मैं स्टेप समझ चुका हूँ लेकिन मेरे से आज भी कैसे गड़बड़ हो सकती है, मैं अपनी भावनाओं को कंट्रोल में कैसे नहीं रख सकता और उससे मेरा घर कैसे खोते हुए नजर आता है। मुझे उस इंसिडेंट से पता चला, मैं घर में आया था दोपहर खाना खाने और उस समय वो कुछ बोल रहा था, मेरी मिसेस उसको कुछ बोल रही थी और वो उल्टी जबान में उनको मेरी मिसेस को उत्तर दे रहा था, और मैं बहुत गुस्से में आ गया और उसके नाक पे अपना मुक्का मार दिया और फिर मैं चला गया ऑफिस। लेकिन शाम को जब आया मैं तो मेरे मिसेस ने कहा कि बच्चे ने ऐसा कहा है कि अगर पिताजी ने मुझे दोबारा मारा तो मैं पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट कर दूंगा। तो ये खुन्नस उसके मन में कहा से आई, कहा कैसे? तो ये मेरे शराबी के कारण और मेरे स्वभाव दोष, आज 15 साल की उम्र बोले तो एक लड़का यंग मतलब जवानी के दहलीज पे पैर रख रहा था और मैं इसके साथ किस टाइप से बातें करना ये भी मुझे पता नहीं है, आज भी सोबरेटी में भी पता नहीं चलती है, इस तरह से मेरा घर खुद मतलब मेरे से दूर हो रहा था या क्या हो रहा है ये भी आज तक मुझे पता नहीं चल रहा है। ये बातें मेरे बेटे के दिमाग में कैसे आई क्या नहीं वो जो भी बातें, लेकिन मुझे ये लगता है कि ऐसे मैं जब भावनाओं को कंट्रोल नहीं रखता हूँ तो मेरा घर खोने की कगार पे आता है, ये मुझे आज भी समझ में आ रहा है। उस दिन से मैंने मिसेस ने आपस में बातें किया कि कैसे क्या कहना, तो उन्होंने कहा कि भाई इसको सिर्फ प्यार से समझा सकते हैं। दोस्तों अल्कोहलिक्स एनोनिमस में मैं बाहर के मेंबर्स से जो रहते हैं उनसे मैं बड़े प्यार से बात करता हूँ, लेकिन घर में मुझे क्या होता है कि मैं अपने बेटे से भी प्यार से बात नहीं कर पाया, ये मुझे समझ में आया उस दिन से। आज मैं 2-3 दिन ही हुई लेकिन उससे प्यार से बातें करना, क्योंकि अब मुझे पता चला कि अल्कोहलिक्स एनोनिमस का जो रास्ता है प्यार का प्रेम का, वही मुझे घर में लाना पड़ेगा, भले शायद वो कुछ गड़बड़ करे या जो भी होगी लेकिन मैं उसको सुधार नहीं सकता हूँ। मेरी प्रार्थना कहती है कि मैं उसको सुधार नहीं सकता हूँ, बदलना मुझे ही है, तो मैं उससे वो प्यार से बातें करने की अभी कोशिश कर रहा हूँ, रिजल्ट मुझे नहीं पता मिलेगा या नहीं मिलेगा। ये इंसिडेंस मेरे बच्चे के साथ भी होते आए हैं दोस्तों 2 दिन पहले, और सबसे बड़ा जो इंसिडेंस आज भी मेरे 16 तारीख को जब मेरे को 5 साल हुए, तो मैं आज भी अपने घर से घर कैसे खो सकता हूँ या कैसे खोया हुआ हूँ ये मैं बताने की एक अनुभव बताऊंगा। दोस्तों सवेरे से मुझे फोन आ रहे थे बर्थडे विशिंग के, 9:30-10 बज रहे थे उस समय, फोन बहुत आ रहे थे और जैसे थोड़ा टाइम मिला मैं अंदर आ रहा था तो मेरे बेटों ने कहा कि पापा आज तुम्हारा बर्थडे है क्या अल्कोहलिक्स एनोनिमस का? मैं बोला हाँ। अब उन्होंने मुझे विश किया
दोनों बच्चों ने, एक 15 साल का एक 12 साल का, उन्होंने मुझे विश किया पापा हैप्पी बर्थडे करके। और मेरी मिसेस ने पहली बार मुझे 4 साल के बाद पहली बार मुझे विश किया कि हैप्पी बर्थडे। लेकिन उसने एक बात बोल दी, दोस्तों आप शराब से तो दूर हो लेकिन आप वैसे के वैसे ही हो। ये बात मुझे बहुत दिल को लगी, क्योंकि 5 साल सोबरेट के बाद भी अगर वो मुझे बोलते तो इसका मतलब मेरे में आज भी वही प्रक्रिया है। मैं घर से आज भी कुछ दूर रह सकता हूँ या मेरा हाथ से घर आज भी निकल सकता है, ये मुझे पता चला। उसके लिए फिर वो होने के बाद मैंने हमारे एक जो नॉन अल्कोहलिक्स है जिन्होंने अल्कोहलिक्स की मीटिंग उस चौराहे में आई, उनसे मैंने बात किया कि मेरे से कैसी गलती हो रही, क्या हो रहा है 5 साल के बाद ही। तो उन्होंने कहा कि संजीव तूने बहुत, मैंने पिछले साल ही बताया था कि भाई तू अब अपने घर को पहले नंबर पे रख, तूने शायद नहीं रखा, मतलब हाँ नहीं रखा, तो अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं, बोले अभी भी तू घर को जो हमारा ट्रायंगल है घर का मीटिंग का, उसको तू मीटिंग को एक नंबर पे रख रहा था, काम को 2 नंबर पे रख रहा था और घर को 3 नंबर पे। अब इस ट्रायंगल को तू चेंज करके लेके आ, अगर तेरे को तेरा घर बचाना है और तेरे को घर में सोबरिटी चालू करना है तो सबसे पहले तू अपने घर को महत्व दे। ये मैंने उनसे बात किया था 16 तारीख को, उन्होंने कहा कि भाई पहले काम घर को महत्व दे, बाद में काम को और बाद में मीटिंग को। तो दोस्तों ये मैंने अब शुरू किया, इसका रिजल्ट तो टाइम लगेगा क्योंकि 5 साल में जो मैंने कर चुका हूँ बहुत ज्यादा अल्कोहलिक्स एनोनिमस की मीटिंग्स, ग्रुप्स फाउंडिंग, नए ग्रुप ओपन करना, नए मैसेज करना, ये सब किया दोस्तों। आज मुझे समझ में आया कि अब ये सब काम मेरे जो नए भाई आए उनको ऊपर सौंप देना है, ना कि मेरी चलाना है, ये मुझे मालूम हो गया उस इंसिडेंट से मेरे विषय में कहा। लेकिन दोस्तों फिर भी मुझे चांस अभी भी नजर आते हैं, मेरा घर आज भी बच सकता है। ये कैसे चला, जब मैं उसी दिन शाम को 16 तारीख के शाम को 6 बजे घर आया और मेरे विशेष ने मेरे बच्चों ने कहा कि केक बनाया है, मम्मी ने बोला केक आज क्यों बनाया है, बोले तुम्हारा बर्थडे था। तो मेरे मिसेस ने केक बनाया था, मैंने काटा। तो इसका मतलब ये दोस्तों कि अगर मैं सही में अच्छा मतलब 12 तत्वों के कार्यक्रम में चलता हूँ तो आज भी मुझे घर से चांस है, मेरा घर नजीक आने के चांसेस है। जो खो चुका हूँ, जो तो गया वो तो गया, लेकिन अब जो वो मैंने बात किया था वो अल्कोहलिक्स के मेंबर इससे वेलविशर से, तो उस पर मैंने अमल चालू किया तो मुझे पता लग गया कि अब मेरा घर आज भी आ सकता है। तो मेरे विशेष ने खिलाया मुझे आज, उस दिन से 16 तारीख से आज मैं घर में रहने की कोशिश कर रहा हूँ, उनसे बात करने की कोशिश कर रहा हूँ। रिजल्ट मालूम नहीं कब आएगी, लेकिन मुझे पक्का अल्कोहलिक्स पता चल गया है कि जो मेरा मासिक निर्विपना जो गुम हो चुका है वो मेरा हायर पावर लाके देगी। सिर्फ उसके लिए मुझे एक्शन करना है, वो एक्शन मैं कर रहा हूँ दोस्तों। धीरे धीरे घर में आ रहा हूँ, मैंने एक सोच भी लिया था, मैं बहुत सालों से सोच रहा था कि घर में खाना पकाने की सोचू, बनाने की सोचू जो मुझे आता है, तो मैं उसके भी ट्राई कर रहा हूँ। धीरे धीरे शायद वो पता नहीं मुझे आएगा नहीं आएगा, लेकिन भरोसा है अल्कोहलिक्स में रहूंगा। और इसे अल्कोहलिक्स का एक और किस्सा शेयर करता हूँ, मीटिंग अपनी शुरू खत्म करता हूँ दोस्तों। मेरी मैंने जो स्टेज समझ के लिया था उस समय मेरी लिस्ट में मेरे सभी सिस्टर्स का बहुत ही खुन्नस में नाम था, चारों सिस्टर का खुन्नस का नाम था। सबसे बड़ी सिस्टर मुझे हर बार कुछ ना कुछ नॉलेज देती थी, तो मैं उसको ज्ञान समझता था, मैं उसको बोल रहा था ज्ञान मत दे। सेकंड नंबर की सिस्टर भी उसी प्रकार से ज्ञान देती थी। थर्ड नंबर की सिस्टर मेरे से 14 साल से बात नहीं करी थी, जिसके कारण उससे खुन्नस हुई थी। और चौथे नंबर की सीट बहुत ही छोटी थी, तो मुझे हमेशा नशे दिया करती थी कि भाई तू घर में कैसा रहना चाहिए, क्या रहना, ये सबसे मैं बड़ा होने के बाद भी मुझे बताते थे। तो उसके कारण उनकी खुन्नस मेरे दिल में बैठ गई थी। लेकिन जैसे मैंने वो चौथे स्टेप लिया था, तो उसके बाद मैं ये सोच रहा था कि इनकी माफी मांगूंगा। तो मैं सोच रहा था, तो उतने में मेरी माँ की डेथ हुई थी, जब उसकी 13वीं हुई थी, तो ये सब सिस्टर घर में आई थी। मैं बहुत ट्राई कर रहा था कि मुझे इनकी एक साथ माफी मांगना है, वो बहुत प्रार्थना कर रहा था, वो चांस आया दोस्तों। मैं जैसे ही घर में था तो मेरी सिस्टर मेरे बेडरूम में 2 बैठी थी और दरवाजे पे 2 थी, और जैसे मैं एंट्री कर रहा था तो मुझे अचानक क्या हुआ पता नहीं चला, मैंने वो दोनों सिस्टर जो बाहर थे उनको बुलाया, उनका दरवाजा बंद किया, एक साथ बैठाया और उनको बोला कि भाई मैंने आपको जो मानसिक रूप से प्रताड़ित किया हो, तो मानसिक रूप से बहुत परेशान किया हो मेरे कारण, तुम्हारे ससुराल में मेरे तुम्हारी गर्दन झुकी थी, तो उसके लिए मैं ये सब चीजें उनको बताई और उनकी माफी मांगे। उन्होंने उस समय मुझे कहा था कि भाई जो किया वो हो गया, ठीक है, हम कोई आपसे कोई दिला शिकवा नहीं है, ऐसा उन्होंने कहा था। और इसका
अनुभव मुझे 16 तारीख को आया। देखा जाए तो दोस्तों मेरे जैसे शराबी को आज भी मेरे सिस्टर के बर्थडे याद नहीं है, लेकिन मेरी सोबराती की 16 जुलाई आज मेरे चारों सिस्टर को याद है। 16 तारीख को मेरे तीनों सिस्टर के मुझे फोन आए थे कि भाई तुमने आज 5 साल पूरे किए, अभिनंदन शुभेच्छा या जो भी बधाई दिया था उन्होंने। तो ये जैसे फोन आए तो मुझे लगा कि आज भी जो मेरा घर खुल चुका है वो आज भी अलकुली सैनिक्स में जैसे से मैं रहूंगा आते रहूंगा तो ये वापस आने की चांसेस मुझे आज भी दिख रहे, तो उसी पे मैं आज भी चलने की कोशिश करता हूँ। और धीरे धीरे मुझे पता चल गया कि अब जो भी होगा वो मेरे ईश्वर की इच्छा के अनुसार ही होगा, तो उसके लिए मैं आज ट्राई करता हूँ, करते रहता हूँ दोस्तों। तो जिसके कारण आज बहुत अच्छा लग रहा है, वेलकम ग्रुप ने मुझे शेयरिंग का मौका दिया, आप सभी लोगों ने मुझे ध्यान से सुना, इसके लिए मैं आपका सभी का आभारी हूँ। थैंक यू वेरी मच।